नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, पृथ्वी दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज हम प्रकृति, पृथ्वी, पेड़ पौधों की बात करेंगे, लेकिन ज्योतिष को आधार बनाते हुए हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने जीवन को खुशियों से, सफलता से भर सकते हैं। और ये करना बहुत आसान है, बेहद आसान है और किफ़ायती भी है। आपका बहुत थोड़ा सा समय ही खर्च होगा, लेकिन इसके बदले जो आपको मिलेगा वह अमूल्य होगा, बहुत ही असाधारण होगा। मित्रों, एक वक्त था जब हम प्रकृति से ज़्यादा निकट थे। हमारी सभी ज़रूरतों को ये प्रकृति पूरा करती थी। हमारे जन्म से हमारी मृत्यु तक ये प्रकृति हमारा साथ निभाती थी। तब हम ज़्यादा स्वस्थ रहते थे, ज़्यादा प्रसन्न रहते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां आती चली गईं। हम लगातार उलझनों में, तनावों में घिरते चले गए। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है इसका मित्रों, कि हम माँ रूपी प्रकृति की गोद से दूर होते चले गए। न सिर्फ दूर होते चले गए, बल्कि हमने उस प्रकृति को तिरस्कृत करना भी शुरू कर दिया, उसकी उपेक्षा भी करनी शुरू कर दी, जो हमें माँ की तरह पालती पोषती है, हमारा ध्यान रखती है। एक छोटी सी बात बताऊं कि अभी पिछले कुछ समय तक गौरैया दिखाई पड़नी बंद हो गई थी। ऐसा लगता था कि यह हमेशा के लिए हमारा साथ छोड़कर चली गई हो, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे इसका संरक्षण करना शुरू किया, गौरैया को आश्रय दिया, दाना पानी देने लगे और गौरैया फिर से हमारे आसपास खुशियां बिखेरने लगी। सुबह सुबह उठकर चिड़ियों की मधुर ध्वनि सुनकर हमारा पूरा दिन प्रसन्नता में बीतता है। तो इसी तरह हम छोटे छोटे प्रयास करके पुनः अपने वातावरण को, अपनी प्रकृति को अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। मित्रों, आप बात करते हैं ज्योतिष की, तो मित्रों ज्योतिष में हम आज भी जो उपाय बतलाते हैं ग्रहों को अनुकूल बनाने के, वे सभी प्रकृति से जुड़े होते हैं। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि पांच तत्वों से ही हम बने हैं। पंच तत्व मिल बना शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा। ज्योतिष में, खास तौर पर वैदिक ज्योतिष में, वृक्ष और धरती के पूजन को बहुत महत्व दिया गया है। ग्रहों की अनुकूलता पाने के लिए हम कई वृक्षों की जड़ों का भी प्रयोग करते हैं और ये एकदम फ्री होते हैं, जबकि नगों को खरीदने में हमारा काफ़ी पैसा खर्च होता है। पहले हम लोग सुबह उठकर पृथ्वी या धरती के पैर छूते थे, साथ साथ मंत्र भी पढ़ते थे, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णुपत्री नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्वमे। पहले बुजुर्ग ऐसा करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा बंद होती चली गई। लेकिन अच्छा होगा कि अगर हम अपनी पुरानी बातों को, अपनी पुरानी परंपराओं को दोबारा से शुरू करें। पहले के बुजुर्ग ऐसा करते थे तो सुखी थे, और आज हम अंधी दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। मुझे वशीर बद्र जी का एक शेर याद आता है, ख्वाहिशों के बोझ में बशीर तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। मित्रों, ज्योतिष में दूसरा, छठा और दसवां भाव अर्थ त्रिकोण कहलाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में इनमें जो राशियां पड़ती हैं वे वृष, कन्या और मकर राशियां होती हैं, और इन्हें पृथ्वी तत्व की राशियां कहते हैं। मित्रों, एक बात निश्चित रूप से जान लें कि जिस किसी की कुंडली में ये पृथ्वी तत्व की राशियां या भाव कमज़ोर होंगे, उन्हें धन संबंधी समस्याएं अवश्य होंगी, बिल्कुल होंगी, निश्चित होंगी। तब ऐसे लोगों को अवश्य ही सुबह उठकर भूमि को प्रणाम करना चाहिए, धरती माता की कृपा पानी चाहिए,
वृषभ कन्या मकर राशि और लग्न वालों को तो ये अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए, तब उनके जीवन में धन ऐश्वर्य सफलता अवश्य प्राप्त होगी। उनका आर्थिक पक्ष हमेशा मजबूत रहेगा क्योंकि पृथ्वी तत्व वृषभ कन्या और मकर राशि से जुड़ा होता है। इसलिए यदि आपको अपना आर्थिक पक्ष मजबूत रखना हो, कामयाबी पानी हो, तो पृथ्वी के चरण वंदन अवश्य करें। घर के दक्षिणी हिस्से में एक ग्लोब भी रखें। एक काम और भी करना चाहिए इन लग्न और राशि वालों को या उन लोगों को जिनकी ये राशियां यानी वृषभ कन्या और मकर कमजोर पड़ी हों। ये लोग अपने आसपास या जहां कहीं जगह मिले वृक्ष जरूर लगाना शुरू कर दें और उनकी देखभाल करें, उन्हें सींचना भी शुरू करें और तब तक उनकी देखभाल करें सींचें जब तक वे वृक्ष बड़े ना हो जाएं। मित्रों, कई ऐसे वृक्ष होते हैं जो हमारे जीवन को समृद्धशाली बनाते हैं। मैंने पिछले वर्ष इस विषय पर करीब 4-5 वीडियो भी बनाए थे, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मित्रों, धरती व वृक्ष की पूजा करने से आर्थिक संपन्नता बढ़ती ही है, ये पूर्णतया सत्य बात है और आप इसका लाभ उठाना शुरू कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। समय समय पर आपको ऐसी ही उपयोगी जानकारी देता रहूँगा। नमस्कार, जय सियाराम।